गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपको स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, आप लोग देख लिए होंगे, जो आप 12th और टारगेट दोनों के लिए सेम वीडियो जाएगा। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 6 तक बात कर लिए हैं सॉल्यूशन, उस सभी सॉल्यूशन का यूज हम लोग इस डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बात करेंगे। आप जानते ही हैं जो आप कह दिया गया, जो आप केवल ऐप पे आपको वीडियो ये देख रहे हैं। तो रही बात जो 11th वाला पार्ट, देखिए आप टेंशन ना लें, हम 11th वाला पार्ट भी क्लियर करेंगे। जो टारगेट में चल रहा है गैसियस स्टेट वे भी चलेगा, और ये अब 12th वाला पार्ट भी चलेगा। अब जो है जो भी बच्चे जिन लोगों को 11th वाला पार्ट छूटा हुआ है 2020-22 के जो बच्चे हैं, उसको और टारगेट दोनों को साथ ही चलेगा, क्योंकि टारगेट और फाउंडेशन में इतना ही अंतर रहा। जो टारगेट में प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराएंगे तो इनिशियली हम क्या करेंगे, थ्योरी देंगे, फिर जहां तक कह देंगे जो देखिए अब इसके बाद हम जेई में नीट के लिए बात कर रहे हैं। तो 12th वाला को, फाउंडेशन वाला को मन होगा तो अपना देखेगा, वाच करेगा, नहीं तो वहां से रोक देगा। दूसरी बात है जो कुछ जो एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ना है वे केवल टारगेट में ही डालेंगे, 12th में नहीं डालेंगे। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहें, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। फिर आप जानते हैं जो इस व्हाट्सएप नंबर पे ये जो है, इस पे आप डायरेक्ट किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा तो आप क्वेश्चन जो देते हैं उस पर करेंगे। और ये दोनों ऑफिस का नंबर है, ये दोनों नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करें सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन, जैसे ही सॉल्यूशन कहा जाए तो हम समझेंगे होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांस, टू और मोर सबस्टांस यानी कम से कम कितना, तो दो होगा। सॉल्यूशन जैसे ही कहा जाए तो दो पार्ट से मिलके बना हुआ होगा, एक को कह देंगे सॉल्यूट और दूसरे को क्या कह देंगे, सॉल्वेंट। सिंपली आप ये समझिए जो सॉल्यूट इनविजिबल होता है, किसमें, सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट जो होता है वे विजिबल होता है, वे दिखाई पड़ते रहता है, समझ गए। तो जैसे ही ये इनविजिबल होगा इसका मतलब इसका फिजिकल स्टेट जनरली चेंज हो जाता है, और इसका फिजिकल स्टेट ज्यों का त्यों रहता है। दूसरी बात है जो सॉल्यूशन को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक को कह दिया गया बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरे को कह देंगे पॉलीनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होगा जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल कितने कंपोनेंट हो, दो कंपोनेंट हो। सॉल्यूशन हैविंग ओनली टू कंपोनेंट, तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कह देंगे, और पॉलीनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन having more than one component, more than two component, यदि दो से ज्यादा component हो तो उसको कह दीजिएगा polynary। हम लोग जो स्पेशली बात करेंगे केवल और केवल किसका, binary solution का बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो फर्दर जो है सॉल्यूशन को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक को कहा गया डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरे को कह देंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
एक को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा गया और दूसरे को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा गया। समझिए पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। यदि एक कंटेनर जिसमें मान लीजिए जो 2 kg H2O है, दूसरा कंटेनर इसमें भी 2 kg H2O है, यदि यहां पे हम 5 ग्राम शुगर डालते हैं और इसमें 10 ग्राम शुगर डालते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा वे डाइल्यूट, ये डाइल्यूट कहलाएगा और ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, कंसंट्रेट। फिर देखते रहिए, 2 kg H2O है, 2 kg H2O है, इसमें हम डाल रहे हैं 10 ग्राम शुगर और इसमें डाल रहे हैं अब 12 ग्राम शुगर। तो देखिए अब फिर ये क्या बन गया, डाइल्यूट, और ये क्या बन गया, कॉन्क। फिर ये क्या कह दीजिएगा, डाइल्यूट, और ये क्या कह दीजिएगा, कॉन्क, कंसंट्रेटेड। इस दोनों में जब कंपेयर किए तो ये कॉन्क कहलाया, लेकिन इस दोनों में ये कंपेयर किए तो ये डाइल्यूट बन गया। तो डाइल्यूट और कॉन्क कोई फिक्स नहीं है, एक रिलेटिव टर्म है। यदि दो सॉल्यूशन लेते हैं और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट लेस हो उसको डाइल्यूट कह दिया गया, और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली हाई हो तो उसको कम कहा गया। तो इस तरह से हम लोग यहां पे इस टॉपिक में जो भी बात करेंगे वे डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। तो यदि स्टैंडर्ड तौर पे हम लोगों को डिफिनेशन कहा जाए जो डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे, तो सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिवली स्मॉलर दैट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की अपेक्षा सॉल्यूट का अमाउंट कम हो तो हम कह देंगे ये कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका मतलब ये, इसमें किसी प्रकार से कोई फिक्सेशन का बात नहीं है। अलग अलग बुक में अलग अलग बात किया गया। एक हम स्टैंडर्ड, ये जो फॉरेन राइटर स्पेशली यूएसए का है, उसमें डाइल्यूट और कॉन्क के बारे में क्या कहा गया है वे देखिए। जो एक वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है, हम लोग एक सॉल्यूशन में डाइल्यूट और कॉन्क का बात सॉल्यूट के अमाउंट को लेकर के ही बात करते हैं, तो कहा गया जो सॉल्यूट का अमाउंट यदि 1 m से, याद है जो 1 m क्या है, m मतलब मोलारिटी, और इसीलिए बार बार कह रहे थे जो देखिए केमिस्ट्री में जो कुछ भी पढ़ावे ये मत समझिए जो ये इस टॉपिक का नहीं है, सबका सब 12th का है, इसमें कोई शंका नहीं। और यदि आपके मन में शंका हो तो समझिए आप जो आप अपने मार्क से वंचित रह जाएंगे।
आप मनचाहा मार्क नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब मनचाहा लिखेंगे ही नहीं तो मनचाहा मार्क नहीं मिलेगा। मनचाहा तब नहीं लिखेंगे जब आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने से भागेंगे। तो इसीलिए केमिस्ट्री में आप दिमाग में सेट कर लीजिए, जो ना कोई इलेवेंथ है ना कोई ट्वेल्थ है, पूरे का पूरे ट्वेल्थ है, पूरे का पूरे ट्वेल्थ है। हाँ, जहां जहां फिजिकल में कहते हैं ना, फिजिकल में हम लोगों का 5 टॉपिक है, उसमें भी तो सब मिलिए जुलिए आता है, रिडॉक्स रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट सब तो आ ही जाता है, किसको हटावे। हाँ, जो इलेवेंथ का पार्ट है, जैसे थर्मो हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, गैसियस स्टेट, थर्मो में भी आ ही जाता है, इक्विलिब्रियम में भी आ ही जाता है, इसीलिए क्या कहें आप लोगों को। इसीलिए देखिए बाबू, यदि आपको अच्छा करना है तो रिक्वेस्ट है, जो आप इलेवेंथ ट्वेल्थ दिमाग से निकाल दीजिए, खास के केमिस्ट्री के केस में, फिजिक्स में, मैथ में, बायो में अपना करते रहिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में मत कीजिए आप, बार बार मैं कहता हूं, और इसी में बहुत सारा टाइम वेस्टेज होते रहता है। तो यदि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, एम का मतलब, एम जो है यहां पे मोलारिटी, हाँ हम ये प्रयास करते हैं जो हमसे कनेक्टेड बच्चा को किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा वादा है। चाहे वे 10th पास करके मेरा क्लास 12th का कर रहा हो या 11th करके, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा 1 mL से लेस या उसके बराबर, और यदि कॉम सॉल्यूशन कहा जाए, इसको हम कॉम्प भी कहेंगे, कंसंट्रेटेड ना कह करके कॉम्प सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी तरह से ये डाइल्यूट ना बार बार कह करके क्या हम कह देंगे, DIL सॉल्यूशन, समझ गए बात को, ये शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वे ग्रेटर देन 1 mL, यानी मोलारिटी क्या होगा, 1 mL से ज्यादा होगा, और यदि 1 mL से ज्यादा है तो उसको हम कह देंगे जो ये क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। हम लोगों को इसके बारे में बात नहीं करना है, हमको जो भी बात करना है वे किसके बारे में, डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करना है, समझ गए बात को, यानी डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग बात करेंगे। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन, हम लोगों को यह आसान मिला जो केवल दो ही कंपोनेंट का बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, यदि सॉल्वेंट गैस हो, यदि सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो, तो उसको हमको गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन, यदि सॉल्वेंट लिक्विड हो तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन तो यदि सॉल्वेंट सॉलिड हो, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस सॉरी, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, सॉल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस, तो इसको बोल सकते हैं गैस इन गैस, ध्यान दीजिए, क्या बोल सकते हैं, गैस इन गैस। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैस, यानी एटमॉस्फेयर में जो भी गैस है वे सब का सब जो है एक सॉल्यूशन ही तो है, वे गैस इन गैस का। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म CHCl3 मिक्स्ड विद N2, यदि क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन मिला दिया जाए तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये सब का सब आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, कैम्फर मतलब कपूर, O2 डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है वाटर में, तो ये क्या कह देंगे, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर मतलब अल्कोहल, जो शराब जो देखते हैं लोगों को पीते हुए। तो इस तरह से टोटल टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो 3, 3, 6, 3, 9,
नौ टाइप का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब कौन सा सॉल्यूशन? होमोजीनियस सॉल्यूशन। और हम लोग इस टॉपिक में केवल बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट, और दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो अगेन आप लोग वीडियो को पॉज करें, नोट करें, और इतना याद करना होगा, एग्जांपल भी हम पूछेंगे क्योंकि ये एग्जांपल कम्प्लीटली एनसीईआरटी का है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। और खास के वे लोग जो 12th हैं, कंपटीशन वाला, इसको आगे भगाते जाइए। तो हम लोग बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हिच ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ध्यान दें, और अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कहने का मतलब मोल पे, मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे, नेचर पे नहीं, जो खट्टा है मीठा है उससे उसका कोई मतलब नहीं, बड़ा है छोटा है, तो उसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज, सभी का सभी नहीं, कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज है। मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों को कितना स्टडी करना है? चार। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले अभी का टास्क हुआ आपका, जो चाहे 12th हो या कंपटीशन, दोनों को ये प्रॉपर्टीज रखना है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होता है। ये कोई जरूरी नहीं है सीक्वेंस में जो 1, 2, 3, लेकिन चारों याद होना चाहिए। देखिए को मींस होता है, जैसे ही हम लोगों से कहा जाए को, तो को का मींस होता है टुगेदर। जहां कहीं भी को, को मींस टुगेदर, और टुगेदर मतलब समझते हैं ना, एक साथ। और दूसरा टर्म क्या है? तो दूसरा टर्म है लीगेट। दूसरा टर्म क्या है? लीगेट। और लीगेट का मतलब होता है बाइंड। ये दो टर्म से बना हुआ है, एक को हम लोग कहेंगे को, और ये कौन सा वर्ड है को? तो लैटिन वर्ड है, हम लोग जानते हैं ना, जो ये लिगेट कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। तो को मींस टुगेदर और लिगेट मींस बाइंड करना। ये जो प्रॉपर्टीज है, ये सब का सब एक दूसरे से बंधा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यदि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं, तो एक को बहुत अच्छा से, यदि कोई बच्चा ये चाहेगा जो आज वाला लेक्चर छोड़ करके अगले वाला लेक्चर समझने लगे, तो प्रॉब्लम होगा उसको। यानी सब चारों का चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पॉज करके पहले नोट कीजिए आप लोग। तो फर्स्ट टर्म का बात करें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो सबसे पहले आपको प्रेशर जानना होगा, और प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे ही प्रेशर कहा जाए, तो प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हम लोग फिजिक्स में जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। अब उससे पीछे चलिए, पहले चलिए
भेपर परिसर। तो पहले हम ये समझें जो भेपर होता है क्या है क्या। तो देखिए आपको पहले हम एक्सप्रेस कर दिए, एक बार हम इसको सुना देते हैं और हमको मिटाना पड़ेगा, यानी YouTube में ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर है। जो ऑनलाइन किसी भी तरह से हो तो बोर्ड छोटा ही पड़ जाता है, चाहे डिजिटल बोर्ड हो या नॉन डिजिटल बोर्ड हो, इसमें यही खासियत है। तो वेपर प्रेशर के बारे में, एवरी लिक्विड वेपराइज्ड एट एनी टेम्परेचर, इन वेपराइजेशन लिक्विड पार्टिकल प्रेजेंट ऑन टॉप सरफेस कन्वर्टेड इनटू वेपर, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड प्रोड्यूस एन इक्विलिब्रियम इन क्लोज्ड कंटेनर। ठीक, प्रेशर डेवलप बाय द वेपर ऑफ ए लिक्विड व्हेन वेपर आर इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर। इसको हम समझाते हैं आपको, पहले आप नोट कर लीजिए और एक दो बार रीडिंग दे दीजिए, फिर हम समझाएंगे तब आपको पता चल जाएगा जो क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए। तो चलिए इस बात को हम लोग समझ लें जो वेपर प्रेशर क्या है। ये एक कंटेनर, जब भी वेपर प्रेशर का बात करें तो कंटेनर क्लोज होना चाहिए, कोई लिक्विड है, प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड का मतलब सिंगल लिक्विड, चाहे वाटर हो, अल्कोहल हो, कोई भी हो, यानी ये प्योर लिक्विड, अकेला एक ही लिक्विड। तो आपको कंसेप्ट दिए जो एवरी लिक्विड वेपराइज्ड एट एनी टेम्परेचर, कोई भी लिक्विड हो किसी भी टेम्परेचर पे, जैसे ही लिक्विड है तो ये वेपराइज करेगा, ये वेपर बनेगा, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, वेपर है। ठीक, इन वेपराइज जेसन लिक्विड पार्टिकल प्रेजेंट ऑन टॉप सरफेस, ये जो आप देख रहे हैं यही हम लोगों का कौन सा सरफेस है, टॉप सरफेस। सबसे ऊपर वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, टॉप सरफेस। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, जो इन वेपराइजेशन लिक्विड पार्टिकल प्रेजेंट ऑन टॉप सरफेस कन्वर्टेड इनटू वेपर, यही जो है यही यहां से वेपर में कन्वर्ट होते रहता है, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, एक वैसा समय आएगा जो पूरे का पूरे वेपर भर जाएगा, यहां पे सैचुरेटेड हो जाएगा, उसी को कह दिया गया है। ये जो वेपर पार्टिकल है ये रैंडम मोशन करते रहता है, क्योंकि पार्टिकल तो बहुत छोटा होता है, और जैसे ही रैंडम मोशन करेगा तो ये दीवार से जाकर के टकराएगा, और टकराएगा तो प्रेशर डेवलप होगा, फोर्स डेवलप होगा। अब वास्तव में ये वेपर प्रेशर है कि नहीं, इसका तो हम लोग ऑस्टवाल्ड एंड वाल्कर एक्सपेरिमेंट से देखेंगे, वे कंपटीशन के लिए, वे ट्वेल्थ के लिए नहीं, अगले क्लास में उसका बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए हम यहां पे आपको एक मैनोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये मैनोमीटर लगा दिए, सिंपली मैनोमीटर कुछ है नहीं, देखिए ये इस मैनोमीटर में मरकरी भरा हुआ रहता है। ये देखिए लिक्विड के लेवल का रख दिए, ये मरकरी है, जैसे ही यहां वेपर बना तो ये तो कनेक्टेड है, वेपर यहां पे आया, वेपर यहां भी टकराएगा, और जैसे ही टकराएगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो ओपन है, तो ये मरकरी का लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो इनिशियली जब इनिशियली लिक्विड रखा गया तो देखे जो
इस लिक्विड का लेवल और मरकरी का लेवल दोनों का सेम है, क्या नाम दिए इसको, मैनोमीटर, मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद ये मरकरी का लेवल जो है पता चला जो हाई हो गया, इसका मतलब इसमें वेपर के कारण यहां प्रेशर डाला और जैसे ही प्रेशर डाला तो मरकरी का लेवल बढ़ गया। तो इससे स्पष्ट हो गया जो वेपर के द्वारा प्रेशर लगता है, तो वही फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखा दिए हैं, जो प्रेशर डेवलप, प्रेशर डेवलप बाय द वेपर, ये वेपर है ना, प्रेशर डेवलप्ड बाय द वेपर ऑफ ए लिक्विड व्हेन वेपर आर इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए यदि ऐसा होता जो ये लिक्विड का टॉप सरफेस सभी का सभी वेपर बन जाता तो पूरे लिक्विड तो वेपर ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है क्या, तो ये वेपर बना, देखते रहिए ठीक से, ये वेपर बना और फिर ये वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब वेपर और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहता है, यानी वेपर से लिक्विड और लिक्विड से वेपर बनते रहता है। तो इस तरह से हम कहेंगे जो वेपर, यहीं पे लिख दें, वेपर और लिक्विड किस फॉर्म में रहता है, इक्विलिब्रियम, इसी को कहा गया है इक्विलिब्रियम, यानी ये इसमें बदलता है, ये इसमें, और ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। आप जैसे ही जो है सो मोटरसाइकिल का जैसे ही ब्रिंग खोलेंगे, तेल का टंकी खोलेंगे पेट्रोल का, तो स्मेल लगेगा, इसका कारण क्या, जो वेपर रहता है। इसका मतलब ये भी ना समझ ले जो सारा का सारा पेट्रोल वेपर के फॉर्म में ही रहता है, यानी ये वेपर और लिक्विड आपस में चेंज होते रहता है। तो बात हमको यहां करना है वेपर प्रेशर से। तो सबसे पहले क्या होता है वेपर, तो लिक्विड के टॉप सरफेस से जो कन्वर्ट होते रहता है, एस्केप होते रहता है पार्टिकल, वे बन जाता है वेपर, और अगेन वे वेपर चेंज होते रहता है लिक्विड में, इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। और यहाँ पे इस वेपर के कारण जो प्रेशर डेवलप होता है उसको ही नाम रख दिया गया है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। आप अपने कुकर में पानी को गर्म कीजिए, वे धीरे धीरे जब आप टेम्परेचर दे रहे हैं तब, और टेम्परेचर ज्यादा कर दिए तब, सीटी किस में पहले मारेगा, तो टेम्परेचर ज्यादा वाला में, क्योंकि वेपर ज्यादा बनेगा। तो इसीलिए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर, यानी आखिर होता है क्या, तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वे टेम्परेचर कौन गेन करता है, तो लिक्विड। टेम्परेचर एक टाइप का एनर्जी है, और उस लिक्विड जैसे ही वे गेन करता है उसमें मोशन होने लगता है, और जैसे ही मोशन करेगा तो वे लिक्विड सरफेस से एस्केप कर जाता है। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट समझना है, याद रखना है, जो टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। दूसरा, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में अभी हम डिटेल बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, और स्पेशली जो लोग टारगेट के बच्चे हैं वे केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ लिए हैं। तो इतना ही बात समझिए, जो ग्लिसरॉल में जो है इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो है सबसे ज्यादा होगा, उससे कम ग्लाइकोल, उससे कम वाटर, अल्कोहल, इथर, और इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही ज्यादा वेपर प्रेशर उतना ही कम। तो बताइए सबसे वेपर प्रेशर कम किस में होगा, लोवेस्ट किस में होगा, तो सबसे मिनिमम वेपर प्रेशर होगा, मिनिमम वेपर प्रेशर, और इस इथर में मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो देखिए आपको यही बार बार चेतावनी देते हैं, खास के जो लोग 12th के हैं,
जो आपके दिमाग हर समय रहता है, जो कैसे सर 12th आप ऑर्गेनिक में भी स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए ये पार्ट केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, और यदि केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ में आएगा तो ये नहीं समझ में आएगा, इसीलिए अभी तो सिर्फ ये रखना ही पड़ेगा। तीसरा टर्म, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ये तीन फैक्टर से इफेक्ट करेगा। अब बात है नॉन वोलेटाइल, क्या है नॉन वोलेटाइल? यदि आप पानी में नमक डाल दीजिए और नमक डाल करके हीट कीजिए और भेपर जो मिलता है उस भेपर को टेस्ट कीजिए, क्या नमकीन लगेगा? नहीं लगेगा। जिसमें भेपर बनने की कैपेसिटी नहीं है उसको नॉन वोलेटाइल कह दिया गया। दूसरा टर्म नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ जैसा कि पहले इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसके बाद हम इस दोनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हालांकि ये हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक ना? चलिए बहुत अच्छा, यानी अभी तक जो भी हम बात करते जा रहे हैं वे 12th के लिए भी है और टारगेट के लिए भी है। जहां से 12th अलग हो जाएगा मतलब बंद कर देंगे वहां अपने हम बोलेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो वोलेटाइल का मतलब क्या समझिएगा? वोलेटाइल सबस्टांस, सबस्टांस तो क्या कहेंगे, सबस्टांस, सबस्टांस व्हिच इज कैपेबल, कैपेबल टू कन्वर्ट इंटू वेपर, इंटू वेपर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज कॉल्ड वोलेटाइल सबस्टांस, उसको ही नाम क्या रख देंगे, वोलेटाइल सबस्टांस ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। जैसे मतलब रूम में भी रखे वो अपने आप वेपराइज हो जाएगा, पते नहीं चलेगा। दूसरा कहे जो इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूट जो होगा वे क्या होगा, एक को कह देंगे इलेक्ट्रोलाइट कहे हैं और दूसरे को कह दिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्यूट व्हिच इज डिसोसिएट इंटू कैटाइन एंड एनाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए बात को? तो देख लीजिए यदि NaCl का बात करें तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, यानी फिर इसका रिलेशन किससे है, रिडॉक्स से। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वैसा सबस्टांस जो आयन में न टूटे, सुगर यूरिया ग्लूकोज, बस इतना ही आप समझें जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बाद बाकी जो भी मुलाकात हो आप यही समझें जो इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो देखें अब रॉड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक कहावत सुने हैं, तेरा ध्यान किधर है हीरो इधर है वही बात है। ये अब इस टॉपिक का हीरो पॉइंट है, तेरा ध्यान किधर है हीरो इधर है। अभी तक जो भी बात किए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात किए, मेन यही है, आपको जो लोग 12th है आपसे कहा जाएगा रॉड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
और कंपटीशन के लिए तो टोटल पढ़ना है। तो जो लोग 12th पास आउट है, टारगेट है, इसको थोड़ा सा फास्टली स्किप कराते जाइएगा, देखते जाइएगा। देखिए एक एक बात समझिए, वेपर प्रेशर समझ गए। अब हमको समझना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या समझना है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका रिप्रेजेंटेशन डेल पी से कर देते हैं हम। तो ये एक कंटेनर, इसमें कोई प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड का मतलब केवल एक लिक्विड, कोई भी हो, कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे वेपराइज करते रहता है और उसके कारण वेपर प्रेशर होगा। तो यहां पे हम वेपर प्रेशर मानते हैं पी नॉट, किसका? प्योर लिक्विड का। इस प्योर लिक्विड में ऐड कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वैसा सॉल्यूट जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट ना होता हो। जैसे ही हम सॉल्यूट ऐड कर दिए तो अब ये आपका बन गया सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन तब बना है जब प्योर लिक्विड और सॉल्यूट के बीच अट्रैक्शन हुआ है। यदि पानी में हम लोग चीनी डाल देते हैं तो चीनी डिजॉल्व हो जाता है, मिल जाता है। इसका मतलब पानी और चीनी के बीच अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, लविंग है। पानी में यदि आप तेल डाल दीजिए, मस्टर्ड ऑयल, सब्जी उब्जी जो बनाते हैं वो भी थोड़ा सा डाल दीजिए, देखिए नहीं मिलेगा, है ना? तो इसका मतलब पानी और तेल के बीच कोई एफिनिटी नहीं है। तो यहां पे जैसे ही अब ये सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूट पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में फैल गया और साथ ही साथ वे सरफेस पे भी है। अब यहां पे क्या था, सॉल्वेंट पार्टिकल अकेला था, वे एस्केप बन कर रहा था, वेपर बन रहा था। लेकिन जैसे ही यहां सॉल्यूट पार्टिकल आ जाने से पहले की अपेक्षा वेपर क्या होगा, कम बनेगा, और जब वेपर ही कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां वेपर प्रेशर मानते हैं जो पी एस। तो अब बताइए आप, एक प्योर लिक्विड में सॉल्यूट ऐड कर देने के बाद वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया, यानी पी नॉट ग्रेटर देन पी एस। तो एक पॉइंट आपको मिल गया आज के बाद, जो जैसे ही हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे प्योर लिक्विड में तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम फाइनली क्या अभी समझें, जो व्हेन सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर लिक्विड देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी यहां पे जैसे ही सॉल्यूट मिल गया तो मिलने दिया, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जैसे ही अट्रैक्शन है तो वहां से एस्केप करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक, तो
हम लोग फाइनली यही समझे जो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में यदि कहा जाए जो किसका ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे सॉल्वेंट का। तो फिर वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये बात समझ गए। डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दैट इज सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान दे, पहला फार्मूला, जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना हो, डेल पी क्या है, डेल पी जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड से घटा देंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। तो हम लोग कुछ बात याद रखेंगे, जो 800 डिग्री सी और 373 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 1 atm या इतना सेंटीमीटर ऑफ hg या इतना mm ऑफ hg, या तो ये टेम्परेचर दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, यदि वाटर का वेपर प्रेशर कहा जाए तो इतना हमको मानना होगा। समझ गए बात को। तो ये जैसे जैसे अभी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये सब का सब आपको जो लोग स्पेशली 12th का तैयारी कर रहे हैं ऐसा ही एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो यदि हमसे कहा जाए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो सिर्फ इतना ही एक्सप्रेस करना है। ये क्या है, रेशियो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि हम लोग अभी देख लिए, और टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिया जाए तो उसको ही नाम रख दिया गया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम जानते हैं जो डेल पी यदि कहा जाए तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पी नॉट माइनस पी एस कहे हैं। देखिए ये एस कभी ऊपर रख लेते हैं कभी नीचे, इससे मत घबराइएगा, ये एस होना चाहिए। तो ये जैसे जैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं 12th वाला को उसी सीक्वेंस में याद करना होगा। अगेन वीडियो को पॉज करें, नोट करें। अकॉर्डिंग टू रॉड्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही है रॉड साहब का लॉ। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर क्या देखे, डेल पी अपॉन पी नोट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगेन इसी बात को हम पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगेन इसी बात को पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन बाय एन प्लस एन, जहां पे वेयर क्या बोलिएगा, एन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल एन इक्वल टू हम बोल देते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट। हालांकि कैपिटल एन नॉर्मलिटी है लेकिन ध्यान दीजिए कुछ भी माना जा सकता है। और पी नॉट फिर से बोल दें एक बार, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, अरे ध्यान किधर है, हीरो इधर है, वही वाला बात यहां पे। जैसे ही आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाए 12th में, 12th के लिए
तो इतना नहीं कुछ जानते हैं तो इतना लिख दीजिए और ये रट जाइए, बस काम चल जाएगा। इसीलिए यदि चिट्ठा बनाने का बात हो, चोरी करने का बात हो, तो बस इतना लिख लीजिएगा, इतना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बीच में कुछ कुछ लिख दीजिएगा। अब कुछ कुछ का मतलब क्या, केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड, मार्क 100% मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। इसीलिए हम कहते हैं जो 12th पास कराना तो चुटकी भर का काम है, समझ गए बात को। जरूरत है जो कंपटीशन का कैसे कॉन्सेप्चुअली समझें उसका, समझ गए ना क्या करना है कैसे टेक्निकली। जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर का जैसे ही सवाल हो क्वेश्चन में, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग, नहीं कुछ याद है तो इतना याद है लिख दीजिए, मार्क मिल जाएगा। लेकिन हमको कंपटीशन के लिए तो ये जानना होगा। तो यहां तक ध्यान दीजिए, यहां तक आपको 12th में जो रिलेटिव लोअरिंग से बात करते आए वहां तक लिखना है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, इसके बाद 12th का फिनिश हो जाएगा। पॉज कीजिए, नॉट फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ जो सॉल्यूट का अमाउंट निग्लिजिबल होगा, एंड वेरी वेरी लेस देन, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा सॉल्वेंट की अपेक्षा बहुत ही कम होगा। देयरफॉर एन प्लस एन इज इक्वल टू क्या कह देंगे, एन, समझ रहे हैं। तो अब हम कहेंगे P नॉट माइनस PS, P नॉट इज इक्वल टू एन बाय एन। तो यदि हम लोगों को वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये फार्मूला दे सकते हैं, जहां पे n क्या है तो मोल ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल N क्या है तो मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यदि हम लोगों को, ध्यान दीजिए, यदि न्यूमेरिकल का बात हो तो हम लोग तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का बात ही करते हैं, इसीलिए डायरेक्ट यही फार्मूला आप याद रखें, इसी फार्मूला पे इस्तेमाल कर दें, ठीक। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करना है। तो हम कहेंगे फ्रॉम रॉल्स लॉ, अब तो आपको रॉल्स लॉ से बात करना होगा, तो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट इज इक्वल टू एन बाय एन। एन नंबर ऑफ मोल है, और याद कीजिए जो नंबर ऑफ मोल यदि निकालना होता है तो हम कहते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो इसीलिए स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू वन बाय एम वन, मतलब ये तो सॉल्यूट है, और कैपिटल एन बराबर डब्ल्यू टू बाय एम टू। तो पी नॉट माइनस पी एस बराबर हमको यहां लिखा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है, और एन डब्ल्यू वन एम वन ये चला जाएगा एम टू डब्ल्यू टू। तो देखिए यहां पे डब्ल्यू वन क्या है, तो डब्ल्यू वन हो गया गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, और किस में, तो हमेशा इन ग्राम में होना चाहिए। W1 क्या है, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। W2 क्या है, तो गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, हमेशा गिवन वेट ग्राम। और M2 क्या है, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया बात है। चलिए आप जो है ध्यान से सुनिए,
कंसस हो जाइए। यहां के बाद अब हम न्यूमेरिकल बात करेंगे जो कि नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंस है, मतलब बिना उसका तो संभव है ही नहीं। कोई जेई नीट का तैयारी करे और कहे जो थ्योरी अच्छा से समझ गए हैं न्यूमेरिकल हम नहीं बनाएंगे, तो वे संभव नहीं है। यहां के बाद ट्वेल्थ वाला बच्चा जो देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो बस स्टॉप कीजिए, अपना वीडियो बंद कीजिए, बस केमिस्ट्री का आज का आपका फिनिश्ड यही रहा, इतना ही तक रहा, लेकिन कंपटीशन वाला को आगे चलेगा, तो वीडियो पॉज कीजिए, अब हम मजे से बात करें कंपटीशन का। तो चलें हम लोग अब कंपटीशन के लिए मजे से बात करें। ट्वेल्थ वाला बात खत्म हो गया। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज इतना, जैसे ही कहा गया जो प्योर बेंजीन, इसका मतलब ये सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट का ही केवल वेपर प्रेशर होता है। तो पी नॉट इक्वल टू 640 mm ऑफ Hg। ए नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट इतना ग्राम, यानी ये वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया, वेट ऑफ सॉल्यूट जिसको हम W1 मान लिए हैं वो 2.175 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया जिसको W2 मान लिए हैं 39 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 600 mmHg और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS 600 mmHg। और ये बात तो हम लोग पहले ही कॉन्सेप्ट में क्लियर कट समझे हैं, जो जैसे ही सॉल्यूट मिला दिया जाए तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया घट जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इस कारण से वेपर प्रेशर घटेगा। तो देखिए ये 640 है, ये 600 है, इसका मतलब सवाल सही जा रहा है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, मतलब हमसे पूछ दिया गया जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड मतलब क्या, सॉल्यूट, यानी जिसको हम रिप्रेजेंटेशन किससे किए, तो M1 इक्वल टू व्हाट, है ना, और आपको बेंजीन दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ये तो दिया हुआ है M2 बराबर कह दें जो 78। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट मेरा C6H6 बेंजीन है, और बेंजीन का जो वेट है वे कितना 72 और प्लस 6 तो 78 हो गया। अब क्या बनेगा सवाल, आपको क्या सिखाए बाबू, जो ये तो सॉल्यूशन डाइल्यूट ही है, इसीलिए हमेशा हम डाइल्यूट पे ही एप्लीकेशन करें। तो डाइल्यूट पे जब एप्लीकेशन करेंगे तो पी नोट माइनस पी एस पी नोट इज इक्वल टू W1 M1, तो M2 W2, ठीक है। अब तो हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस ही कम है। आप लोग वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिए, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा, सिर्फ आप पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन श्योर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग कर जाएंगे, समझ गए। दुनिया में पढ़ने वाला बहुत कम है, ये आपको एक्सपेरिमेंटल बताते हैं, कितना परसेंट, 5% 7% बस पढ़ने वाला है, बाद बाकी सब झोला छाप है, समझ गए ना। जो ख्वाब तो देखता है, सपना तो देखता है, लेकिन सपने जैसा मेहनत नहीं करता है। तो चलिए पी नॉट 640 और पी एस
कितना 600, फिर ये 600, M1 देखिए W1 कितना, W1 2.175, फिर M1 निकालना है ना व्हाट, और फिर M2 कितना 78, और W2 देखिए कितना 39। तो क्या अब M1 जो है मैथमेटिकली सॉल्यूशन करके निकल जाएगा। अब यदि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो मत कहिएगा सर जी ये भी सॉल्यूशन कर दीजिए, यानी ये सॉल्यूशन करने के बाद 65.25 ग्राम पर मोल होगा। आप लोग अपना सॉल्यूशन करेंगे, नहीं मिले तो फिर व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर क्या 9955228 पे व्हाट्सएप करें, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो चले हम लोग नेक्स्ट सवाल ले लें, और इस सवाल में थोड़ा सा समझे जो ठीक से जो क्या हम बताने वाले हैं। हाउ मच ग्राम यूरिया बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, यानी आपसे पूछ दिया गया वेट ऑफ सॉल्यूट जिसको W1 इक्वल टू व्हाट, क्योंकि यूरिया तो सॉल्यूट होगा, डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर और वेट ऑफ सॉल्वेंट W2 इक्वल टू कितना 100 ग्राम। इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर 25%, क्या समझे, आप उतना सॉल्यूट मिलाइए। सबसे पहली बात आपको यह सिखाए, यदि हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घटेगा, क्यों भाई, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, सरफेस एरिया सॉल्वेंट का घट जाता है। तो कहा जा रहा है आप जो है उतना सॉल्यूट मिलाइए ताकि वेपर प्रेशर कितना हो जाए 25% से घट जाए, रिड्यूस टू 20 इट्स वेपर प्रेशर बाय 25%। तो देखिए ध्यान से, लेट पी नॉट इक्वल टू मान लेते हैं 100, क्योंकि परसेंटेज का बात है, और जहां परसेंटेज का बात हो वहां 100 हम मान सकते हैं। तो पीएस बराबर कह दें जो 100 माइनस 25 यानी कितना हो गया 75, क्लियर हो गया बात। अब क्या निकालना है, वेट, आपको वेट का दो तरीका बताए, फोर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा नॉर्मल सॉल्यूशन, देखते रहिए ठीक से। कैलकुलेशन ऑफ वेट, क्योंकि मेरे पास हर टाइप का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो एक फार्मूला दिए जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट और W1 M1 तो M2 W2 एक ही स्टेप का, कब ये फार्मूला कब लागू होगा, थोड़ा सा और जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे रे बाबा, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट और एन बाय एन कहते हैं, और दूसरा फार्मूला हम पूरे का पूरे पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट और एन बाय एन प्लस एन ये पूरे का पूरे रख दे। जब पूरे का पूरे आप रख देते हो तो पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट एन W1 M1 प्लस W2 M2। अब यहां पे आप पी नॉट हमको तो मिटाना ही पड़ेगा, पी नॉट देखिए तो 100, अब पी एस कितना है 75, ये 100, W1 देखिए तो निकालना है, और M1 देख लीजिए
कहीं है दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, कोई सॉल्यूट है कि नहीं, यूरिया। और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 60। फिर M2 देख लीजिए, M2 तो क्या करना है, कौन सा सॉल्वेंट है, रे बाबा H2O है, तो ये 18 अबाई कितना, 100। ठीक, अब आप W1 को सॉल्यूशन कर लीजिएगा, तो जब W1 बराबर सॉल्यूशन कीजिएगा W1 तो 83.33 ग्राम आ जाएगा। अब आप अपना सॉल्यूशन करते रहिएगा, ये मत कहिएगा सर जी थोड़ा सॉल्यूशन भी करके दिखा देते, ये संभव नहीं है। चलिए यहाँ वाला को हम यहाँ ला रहे हैं, आप लोग वीडियो को फटाफट पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हम यहाँ ला रहे हैं। चलिए देखिए, इसको हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पी नोट तो वही रह जाएगा 100 माइनस 75 100, और W1 वहां W1 कितना, तो W1 तो हमको निकालना है, और M1 60, फिर W1 60 प्लस W2 देखिए कितना, तो 100 है ना, और ये 18। तो जब यहां आप निकालेंगे बाबू तो जानते हैं कितना आएगा, 111.1। क्या ये और ये दोनों सेम है, नहीं ना, तो ध्यान से सुनिए, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे सर जी ये लगावे कि ये लगावे, तो यदि आपके पास पेशेंस है कैलकुलेशन कर सकते हैं, समय है, तो ये लगाइए सब्जेक्टिव में, और नहीं तो ये लगा दीजिए। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा चांस है आपको इसी पर दिया जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। चलिए तो हम इसको कह दें जो ये इनकरेक्ट हो गया है ना, ये इनकरेक्ट वैल्यू और ये क्या करेक्ट वैल्यू, क्यों करेक्ट कह दिए, क्योंकि पूरे का पूरे यूज कर लिए, इसमें तो मान लिया गया। अब चलिए दूसरा पार्ट हम बात करें, दूसरा पार्ट इस सवाल में क्या था देख लीजिए आप लोग, मोलालिटी निकालना था, है ना। दूसरे पार्ट में आप लोग देखें जो क्या फाइंड करना था, मोलालिटी, और जैसे ही मोलालिटी कहा जाए तो हम लोग क्या समझते हैं, जो क्या मिल जाना चाहिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाना चाहिए। सेकंड पार्ट जो है मोलालिटी निकालना है, और मोलालिटी जब भी कहा जाए तो वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बात कर लेंगे। अब वेट ऑफ यदि हम बात करें सॉल्यूट, तो ये तो क्लियर है, करेक्ट वाला लेंगे 111.1 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट कितना, तो सॉल्यूट तो वही रहेगा यूरिया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी तो वही रहेगा कितना, 100। अब ये जीरो कट गया, एक जीरो और कट गया, अब 6 से डिवाइड करें तो 18.51 एम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तो चलें ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल आपका रहा, और आप जानते हैं जो ऑब्जेक्टिव सवाल है इसका आंसर आपको हम देंगे नहीं, क्योंकि हमको ये भी पता करना रहता है जो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने व्यूअर है, व्यूअर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, बना करके व्हाट्सएप के थ्रू आंसर भेजना है, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ये नहीं जो ABCD कर देना है ऐसे नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको भेजना है, यदि गलत होगा तो फिर हम एक्सप्लेन करके दे देंगे, और नहीं तो कह देंगे वेरी गुड। कौन सा नंबर पे, 99955222
84 पे भेजना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चलें, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हो गया। इसमें तो आपको आंसर हम दे दिए हैं, ये बनाना है, यदि नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप करना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे वीडियो को वॉच किया।